हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 27/27 के बारे में, जो कि 4 सितंबर के लिए जारी की गई है। 9वीं क्लास की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हमारी जो पुरानी वर्कशीट चलती आ रही है, ये भी उसी का एक भाग है, जीवन की मौलिक इकाई, जो कि चैप्टर 5 या अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई से लिया गया है। आज का टॉपिक है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोशिका का एक बार जन्म होने के बाद कोशिका में जो काट छाट, टूट फूट या जो पुरानी चीज़ें हैं वो हटती रहती हैं, उसको नए तरीके से वापस लगाना वैसे ही ज़रूरी है जैसे कि हमारी कोई वस्तु हो, उसमें अगर कोई टूट फूट हो जाए तो उसे चिपकाया जाता है या नए तरीके से बनाया जा सके। तो ये एक तरह का ऐसा मशीनरी का मैकेनिज्म है जो बहुत ही ज़रूरी आवश्यक है। तो वर्कशीट पर जो है फोकस करने से पहले ज़रा देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी की वर्कशीट से क्या मेल खाती है, यानी एनसीईआरटी की बुक वर्कशीट से क्या मेल खाती है। तो आइए ज़रा देख लेते हैं आपकी वर्कशीट को और साथ में देखते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक्स को। तो पहले बुक को, तो ये बात करते हैं आपके अध्याय 5 की। तो अध्याय 5 में जब हम सारी कोशिकांगों को पढ़ लेते हैं तो एक छोटा सा कॉन्क्लूशन नुमा पैरा आपका दिया हुआ है आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी में। तो कोशिका विभाजन पढ़ने से पहले जरा उसे देख लेते क्या कहना चाह रहा है। तो वो कहता है कि प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नए प्रोटीन बनाने की में सहायता करता है। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। यानी क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हर कोशिका का एक अपना विशेष कार्य और विशेष संरचना होती है, और उसके कार्य क्या होते हैं, श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन या नए प्रोटीन बनाने की सहायता करना। और ये जो संरचना होती है उसकी, ये संरचना कैसी होती है, ये संरचना उसकी उसकी झिल्ली और उसके अंगों की विशेष संरचना के कारण होती है, और ऐसा ही वो कार्य कर पाता है क्योंकि उसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है। तो आगे क्या कहता है, अतः कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। तो आखिरी में ये जो चैप्टर आपका ये आपको कंक्लूड करके देता है, कहता है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है जो कि क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों तरीके से है। तो बात कर लेते हैं कोशिका विभाजन की। तो कोशिका विभाजन में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। कोशिका विभाजन कह रहा है जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिगत कोशिकाओं को प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्म बनते हैं। यानी पुरानी कोशिका मृत और क्षतिगत कोशिकाएं का प्रतिस्थापन, यानी वो हट करके नई जगह आती रहती हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, प्रजनन हेतु युग्म बनते रहते हैं। यानी दूसरी बात होगी कि नई कोशिकाओं को बनना, एक तो नई कोशिका बनती है किसके लिए, पुरानी मृत और क्षतिगत कोशिकाओं के प्रतिस्थापन के लिए, और दूसरा नई कोशिकाएं बनती है प्रजनन के लिए। तो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। तो क्या कहलाता है, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कह रहा है सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं विभाजन की प्रक्रिया होती हैं। कैसी, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, यानी माइटोसिस, मियोटिसिस, दो तरह की विभाजन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। आगे कह रहा है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें जिससे अधिकतर कोशिका वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। यानी सूत्री विभाजन क्या होगा, सूत्री विभाजन वह होगा, कैसा विभाजन होगा, वह विभाजन ऐसा होगा जिसमें कोशिका की कोशिका का विभाजन होगा, और इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रक्रिया में मृत कोशिका विभाजित होकर के दो समरूप संतति कोशिका बनाएगी, यानी
मदर सेल डिवाइड होकर के या विभाजित होकर के डॉटर सेल को बनाएगा। और यहाँ पे जो मातृ कोशिका की यानी मदर सेल के गणसूत्रों की संख्या होगी वह जो कि तो रहेगी किसमें, जो डॉटर सेल रहेगी या संतति कोशिका रहेगी। और ये काम करेगी वृद्धि उत्तकों की मरम्मत की और सहायता का। तो आगे देखते हैं क्या कहता है, आगे कह रहा है ये कि जंतु और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा उत्तकों की विशेष कोशिका विभाजित होकर युग्म बनाती हैं। तो जो ये युग्म बनाती हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन करती हैं, जिसके पश्चात संतति निर्माण होता है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्रण कहते हैं। अर्धसूत्रण का मतलब कि गणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की अपेक्षा आधी रह जाएंगी। तो क्या कहता है, इसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण तथा द्वारा विभाजित होती है तो इसमें दो की जगह चार नई कोशिकाएँ बनती हैं। यानी यहाँ पर दो कोशिकाएँ बननी थी, यहाँ पे चार बनेंगी। यहाँ पे गणसूत्रों की संख्या सेम रही थी, उतनी की उतनी रही थी, यहाँ पे आधी हो जाएगी। तो नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में गणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो आगे क्या कह रहा है ये, क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गणसूत्रों की संख्या आधी क्यों हो जाती है? आधी इसलिए हो जाती है क्योंकि अलग अलग विभिन्नताओं को जो है जोड़ने के लिए ये आधी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब जरा आपकी वर्कशीट पर देख लेते हैं क्या कह रहा है वर्कशीट में। तो जब हम आपकी वर्कशीट पर आते हैं तो देखते हैं ये बात कर रहा है चोट और घाव कैसे ठीक हो जाते हैं, ठीक है, और जीवन वृद्धि के बारे में। तो आइए जरा देख लेते हैं पढ़ करके वर्कशीट क्या कह रही है। वर्कशीट कह रही है दो कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। दो कोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका उत्पन्न करती है तो कोशिका विभाजन कहलाता है। तो ये वाला पोर्शन यानी जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका बनाती है तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मातृ कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती है। यानी जो विभाजित होगी कोशिका वो मातृ कोशिका या मदर सेल कहलाती है, और विभाजन के फलस्वरूप जो बनेगी कोशिका वो डॉटर सेल या संतति कोशिका कहलाती है। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर में वृद्धि एवं विकास, वृद्धि और विकास होता है। तो क्या है, कोशिका विभाजन के द्वारा ही शरीर जीवों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव बढ़ते हैं, घाव भी इसी प्रक्रिया के द्वारा बढ़ते हैं और युग्म बनते हैं। ठीक है, यानी अगला जो नई जो कोशिका बनेगी वो भी इसी के फलस्वरूप बनेगी। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन हमारा दो प्रकार का होता है, समसूत्री यानी माइटोसिस और दूसरा मियोसिस यानी अर्धसूत्री। ठीक है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन को देख लेते हैं। इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है। ये किस काम के लिए होती है, सामान्य वृद्धि के लिए होती है। तो जरा फिगर देख लेते हैं एक बार, ये आपकी फिगर है। ठीक है, फिगर क्या है, ये मातृ कोशिका है, संतति कोशिका और गणसूत्रों की संख्या बराबर दो है तो दो ही हैं। अब संतति कोशिका में एक मातृ कोशिका से दो संतति कोशिका बनी है। ठीक है, चलो जरा अगला देख लेते हैं हम। अगला अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति युग्म कोशिकाओं में विभाजित होती है। इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। यानी यहाँ पे आधी हो जाएगी, यही पढ़ा था हमने, अगर चार है तो आधी होकर के दो हो जाएगी, छः है तो तीन हो जाएगी, आठ है तो चार हो जाएगी, इस तरह आधी होती चल जाएगी। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है जिसमें केवल युग्मों की निर्माण होता है। तो युग्मों के निर्माण के अलावा नए जीव का निर्माण भी इसी तरीके से होता है। तो एक सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को समझनी है या समझने में सहायता मिल रही है हम लोगों को, वो ये है कि इसमें और इसमें
यानी समसूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री विभाजन में। एक सबसे बड़ा फर्क यह है कि यहाँ पे एक कोशिका रहेगी तो यहाँ पे दो कोशिकाएं बनेंगी नहीं, यानी सतति कोशिका दो बनेंगी मात्र कोशिका से, यहाँ पे एक कोशिका रहेगी तो यहाँ पे सतति कोशिका दो होंगे, चार दो की जगह चार बनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे गणसूत्रों की संख्या अगर चार है तो चार ही रहेगी, और यहाँ पे गणसूत्रों की संख्या अगर चार है तो वो आधी हो जाएगी यानी दो हो जाएगी। तीसरी चीज, समसूत्री विभाजन कहाँ होगा? समसूत्री विभाजन वहाँ होगा जहाँ पे जीवों में चोट को सही करना हो, किसी वस्तु को ठीक करना हो, किसी पुरानी वस्तु को या किसी पुरानी जगह को हटा करके वापस नया बनाना हो ऐसी जगह पे, या वृद्धि करनी हो किसी जीव में, इस तरह की चीज़ों में समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होगा? ये केवल और केवल कब होगा? जब आपका युग्मों का निर्माण होगा और एक नए जीव का निर्माण होगा तब होगा, उसके अलावा नहीं होगा ये। तो अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है? कोशिका विभाजन का जीवों में बड़ा महत्व है, क्योंकि कोशिका विभाजन, जरा देख लेते हैं ऊपर क्या कह रहा है, ये क्या क्या कार्य, एक बार रिपीट भी हो जाएगा आपका। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों में वृद्धि विकास होता है, इसी क्रिया के फलस्वरूप घाव बढ़ते हैं और युग्म बनते हैं। युग्म बनने का मतलब दूसरे वाला अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी इसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन का आंसर। अब है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? इसमें बनने वाली सतति कोशिकाओं में क्या बनता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ये केवल और केवल प्रजननांगों में, विशेष कोशिकाओं में होता है, और इसमें युग्मों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर है मानव कोशिका में, तीसरा क्वेश्चन, मानव कोशिका में 46 गणसूत्र हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आप बनने वाली सतति कोशिका में कितने गणसूत्र होंगे? आपको पता है कि जितना भी नंबर होगा उसका आधा हो जाता है, तो 46 का आधा 23, इसका इसमें कितने बच जाएंगे? तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन में 23 गणसूत्र आ जाएंगे। तो अब है क्वेश्चन नंबर चार, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? कोशिका विभाजन जब वापस देख लेते हैं, आपको एक चीज़ वापस भी याद आ जाएगी आपको, कि जब कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं, तो इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी बच्चों। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।